मैंने दो क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं और पेपर टू के ये तीसरा क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस विच में बी टर्मिनेटेड बाई आइदर फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क ओनली। एनी अदर कैरेक्टर्स मे बी इग्नोर्ड, द वर्ड मे बी सेपरेटेड बाई मोर देन वन ब्लैंक स्पेस एंड आर इन अपर केस। परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, एक्सेप्ट अ सेंटेंस एंड रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स टू अ सिंगल ब्लैंक स्पेस। दिस इज द फर्स्ट टास्क, ये पहला टास्क है। दूसरा टास्क ये है कि एक्सेप्ट एनी वर्ड फ्रॉम द यूजर अलॉन्ग विथ इट्स पोजिशन एंड इंसर्ट द वर्ड इन द गिवन पोजिशन। द पोजिशन इज कैलकुलेटेड बाई द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच वर्ड वेयर द वर्ड इज इन द पोजिशन वन, सेकेंड वर्ड इन पोजिशन टू एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक सेंटेंस, एग्जाम्पल देखते हैं एक। ठीक है ना, एग्जाम्पल को एनालाइज करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद प्रोग्राम लिखते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, मॉर्निंग वॉक इज अ ब्लेसिंग फॉर द होल डे, और वर्ड टू बी इंसर्टेड जो है वो है टोटल। वर्ड पोजिशन इन द सेंटेंस है फाइव। ठीक है, तो जैसे ये मॉर्निंग वाला जो वर्ड है, जैसे ये मॉर्निंग है, ये जो वर्ड है, चलिए पेन एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर मार्किंग करते हैं और कलर ले लेते हैं पर। ठीक है, चलिए, तो ये है फर्स्ट वर्ड, ये सेकंड वर्ड है, ये थर्ड वर्ड है, ये फोर्थ वर्ड है, दिस इज द फिफ्थ वर्ड, दिस इज द सिक्स्थ वर्ड, ये सेवेंथ वर्ड है, ये एट्थ वर्ड है, ये नाइन्थ वर्ड है। तो टोटल में नाइन वर्ड है और यहाँ पर हमें टोटल को इंसर्ट करना है एट द फिफ्थ पोजिशन। ठीक है ना, तो फिफ्थ पोजीशन पे टोटल आ जाएगा और ब्लेसिंग जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमें करना है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि एज यू सो सो यू रीप एक्सक्लेमेशन मार्क, वर्ड टू बी इंसर्टेड इज शैल। ठीक है, वर्ड पोजिशन इन द सेंटेंस फाइव, तो यहाँ पर भी देखो फिफ्थ पोजिशन पे इंसर्शन हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, और फिफ्थ पोजीशन पे इंसर्ट होना यानी यू रिप राइट की तरफ शिफ्ट होगा, शैल उनके बीच में आ जाएगा, तो एज यू सो सो शैल यू रिप आ जाएगा। ठीक, और एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, बेटर लेट देन नेवर, और एंड में ना हैश डाल दिया, तो एंड कैरेक्टर जो है वो तीन कैरेक्टर ही हो सकता है, या तो फुल स्टॉप हो या एक्सक्लेमेशन मार्क हो या क्वेश्चन मार्क हो, ये तीन कैरेक्टर ही मतलब एक सेंटेंस को डेलिमिट करते हैं। डेलिमिटर का मतलब होता है जिससे सेपरेट हो रहा हो। ठीक है ना, ये तीन कैरेक्टर जो हैं वो डेलिमिट कर रहे हैं, तो ठीक है। चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए, ये क्वेश्चन नंबर थ्री है, सेम पेपर का। ठीक है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है देखिए। तो हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, क्लास का नाम रख लेते हैं क्वेश्चन थ्री पेपर टू, पेपर टू। ठीक, इस प्रोग्राम को हम लोग इस साइड पे रखते हैं और ये तो है ही है, क्वेश्चन को राइट में एज यूजुअल मैं रखता हूँ और इसको अपन सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहले मेन फंक्शन बनाते हैं, उसमें हम लोग लिखते हैं इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग AR GS, ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लगाते हैं स्कैनर S न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, और स्कैनर को हम लोग यूटिल जो पैकेज है उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं।
ठीक है, और बनाते हैं फिर आगे। सो स्ट्रिंग सेंटेंस का जो वेरिएबल है सेंट ले लेते हैं, और हमें वर्ड्स चाहिए, वर्ड्स चाहिए, तो वर्ड का एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं हम वर्ड्स का। और चलिए ये तो हो गया। एक हमको इंसर्टेड वर्ड जो है वो लेना है, और हमें एक वेरिएबल चाहिए पोजीशन, कौन से पोजीशन में हमें वो वर्ड को इंसर्ट करना है, ये भी हमें यूज़र से पूछना है, ठीक है। और बस इतना सा, पहले इनपुट ले लेते हैं फिर देखते हैं। तो हम लोग इनपुट ले लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश एफ, एंटर एनी सेंटेंस, सब कैपिटल में लिखते हैं, एंटर एनी सेंटेंस सेंटेंस एंडिंग विथ, ठीक है, फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, कोमा, एक्सक्लेमेशन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है ये, और बस इतना ही है। तो इसको हम लोग सिंगल कोट्स में रख देते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, और सेंटेंस को हम लोग इनपुट ले लेते हैं, सेंट इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, ये लेने आप, ठीक। और नेक्स्ट है वर्ड टू बी इंसर्टेड, ठीक है, तो आगे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश एन वर्ड्स टू बी इंसर्टेड, ठीक है। तो ये लोग जो भी वर्ड इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्टेड वर्ड, ठीक है, इंसर्टेड वर्ड जो है वो ले लेंगे हम लोग एससी डॉट नेक्स्ट करके, ठीक, वर्ड इंसर्ट कर दिया। फिर हमको पोजीशन इंसर्ट करना, तो हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, स्लैश एन और वर्ड पोजीशन इन द सेंटेंस, पोजीशन इन द सेंटेंस सेंटेंस, ठीक है, ये लगा देते हैं। और फिर हम लोग जो वेरिएबल लिए थे पोजीशन, ठीक है, उसको उसमें इनपुट ले लेते हैं एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ठीक। ये काम करने के बाद ना आप एक बार इसको रन कर लें कि ये सारा चीज़ जो है ठीक से इनपुट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कंपाइल कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें जब आप स्ट्रिंग और इंटीजर वगैरह लेते हो ना तो बहुत बार थोड़ा इनपुट का इश्यूज आ जाता है, तो उसको भी हम लोग कैसे देखो रिजॉल्व करते हैं, अगर इनपुट का इश्यूज आ जाता है तो उसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया एंटर एनी सेंटेंस एंडिंग विद दिस, तो हम लोग एक सेंटेंस डाल देते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग लिख देते हैं कोई भी सेंटेंस डाल देते हैं, बेटर लेट देन नेवर, नेवर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो देखो ये वर्ड टू बी इंसर्टेड पूछ रहा है, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे एक नॉट लगा देता हूँ मैं, बस नॉट, ये वर्ड को इंसर्ट करना है, वर्ड पोजीशन डाल देते हैं कुछ भी, 5 डाल देते हैं। तो देखिए पूरा मतलब इनपुट जो है ना वो आपका ढंग से काम कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि इनपुट ढंग से ना काम करे, तो उस केस में आप
चेक करें कि कौन सा इनपुट जो है ना वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो ठीक उसके ऊपर में sc.nextline आप बस ऐसे लिख दें टू क्लियर द कीबोर्ड बफर। कभी कभी कीबोर्ड जैम होता है और बहुत सारे बच्चों को इसका प्रॉब्लम होता है, वो फिर सोच नहीं पाते एग्ज़ाम के टाइम पर कि वो उसको कैसे रिजॉल्व करें। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है, जैसे ही आपका कीबोर्ड बफर जैम हो जाता है वैसे ही आप sc.nextline ठीक उस स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करें कहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक उसके ऊपर लिख दें, ठीक है, तो आपका ये प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं आगे। तो हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि जैसे ही सेंटेंस इंसर्ट हो जा रहा है हमें चेक करना है कि उसका जो लास्ट कैरेक्टर है वो फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क है कहीं, ठीक है ना। तो हम लोग एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पर, उसका नाम रख देते हैं डेलिम, DELIM, डेलिम। डेलिम का मतलब होता है डेलीमीटर। तो डेलीमीटर क्या है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है और एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। और फिर हम लोग चेक करते हैं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं इफ डेलिम डेलिम डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि सेंटेंस का, सेंटेंस का, ठीक है, यहाँ पे एक और छोटा काम करना है कि सबको अपर केस में कन्वर्ट कर लेना है, तो डॉट टू अपर केस लगा देते हैं, टू अपर केस, ठीक है, तो अपर केस में कन्वर्टेड रहेगा, ठीक है। तो सेंटेंस डॉट कैर एट, ठीक है, और इसका जो लेंथ है सेंट डॉट लेंथ, सेंट डॉट लेंथ, ठीक है, -1, तो ये लास्ट कैरेक्टर दे देगा अपने को। और ये जो लास्ट कैरेक्टर अपने को दे देगा वो कैरेक्टर जो है वो उसका इंडेक्स का जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू अगर -1 आ जाए, मतलब वो उसका डेलीमीटर जो है सही नहीं है, ठीक है, तो वो प्रिंट करेगा, तो वो प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, वो प्रिंट करेगा इनवैलिड सेंटेंस प्रिंट करेगा, ठीक है। और हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे टू एग्जिट फ्रॉम द मेन, ठीक है, द स्टेटमेंट और एग्जिटेड एग्जिट फ्रॉम मेन मेथड, ठीक है, तो मेन मेथड एग्जिट फ्रॉम द मेन मेथड, ये मेन मेथड से निकलने में हमको हेल्प करता है, ठीक। तो बस यही चेक करना था, तो हमने चेक कर लिया, ठीक है। और फिर वर्ड, यहाँ पे वर्ड्स, वर्ड टू बी इंसर्टेड होगा, वर्ड टू बी इंसर्टेड, और वर्ड पोजीशन तो हम लोग इनपुट कर ही रहे हैं। तो अगला काम क्या करना पड़ेगा कि हमें जो स्पेसेस है ना वो हटाने, उस वर्ड, हो सकता है कि मल्टीपल स्पेसेस हों वर्ड्स के बीच में, तो उसको हमको हटाना है, तो वो टेंशन की बात नहीं है, वो हम लोग हटा लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो वर्ड्स एरे है उसको हम लोग लिखते हैं, वर्ड्स एरे इज इक्वल टू सेंट डॉट, एक और चीज है, एक थोड़ा सा और चीज करते हैं हम लोग कि लास्ट वाला जो कैरेक्टर है ना वो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैरेक्टर डी इज इक्वल टू सेंट डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक है, और वो लास्ट वाला जो कैरेक्टर है ना उसको निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं, सेंट डॉट कैरेट कैर एट, ठीक है। हम लोगों ने एक जगह स्टेटमेंट यूज़ करा था उसी को यूज़ करना चाहता था मैं, लास्ट कैरेक्टर वाला जो पार्ट था ये रहा, ठीक है ना, इसको अपन लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एक कैरेक्टर वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, कैरेक्टर डी, ठीक है, ये बना लेते हैं, और यहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हैं अपन
का डी इज इक्वल टू कंट्रोल वी, और इस स्टेटमेंट ये जो डी है ना ये मल्टीपल जगह यूज हो रहा है तो हम लोगों ने इसलिए उसका वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और डी में देखिए लास्ट कैरेक्टर जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस डी को, मतलब ये डी में लास्ट कैरेक्टर तो हमारे पास है ही, तो हम लोग सेंटेंस को ना अपडेट कर लेते हैं। सेंट इज इक्वल टू, ठीक है ना, सेंट डॉट सबस्ट्रिंग, उसको रिमूव कर रहे हैं लास्ट वाले कैरेक्टर को इसमें से, क्योंकि हम लोगों ने उसको सेव करके रख लिया है, तो बिगिनिंग इंडेक्स तो यही रहेगा और एंड इंडेक्स में हम लोग डाल देते हैं सेंट डॉट लेंथ जो है ना, ये भी बार बार यूज में आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक बार मेरे से एक ब्रैकेट छूट गया है, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ठीक कर लिया है। और यहाँ पर हम लोग लेंथ जो है ना ये बार बार यूज में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल भी बना लेते हैं लेंथ, ठीक है। और ये लेंथ को हम लोग यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू सेंट डॉट लेंथ, ठीक है। तो इस फंक्शन को एक ही बार कॉल करना पड़ेगा और हम लोग जो हैं ये सेंट डॉट लेंथ यूज करने की वजह से ये हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट कैरेक्टर को हटाना है, तो हम लोग बस लेन माइनस वन कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लेन माइनस वन भी कर सकते हैं, लेन माइनस वन, ठीक है। तो हमें ये माइनस वन बार बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो लेन लिखने से ही हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर लेन माइनस वन ऑलरेडी किया हुआ है लेन के अंदर में, तो हमें बस लेन यूज़ करना है। तो उस तो लास्ट वाला कैरेक्टर जो है ना, ठीक है ना, रिमूविंग द लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम द सेंटेंस, फ्रॉम द सेंटेंस, ठीक है, ये कर दीजिए। इसके बाद आप यूज कर लीजिए सेंट डॉट, एक फंक्शन आता है स्ट्रिंग के अंदर में स्प्लिट, ठीक है, और इसके अंदर में आप पास कर दीजिए, ठीक है, डबल स्लैश एस, दिस इज फॉर स्पेस, ठीक है ना। तो ये स्पेस को ट्रीट करेगा एज अ डेलिमीटर, चाहे आप 10 स्पेस डालें, चाहे आप बीच में कुछ कितना भी स्पेस डाल दें, बड़ा दूर दूर वर्ड लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको एज अ सिंगल वर्ड ही ट्रीट करेगा, ठीक है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। लेन जो वेरिए, अच्छा मैंने गलत जगह डिक्लेयर कर दिया था लेन को, लेन का डिक्लेरेशन यहाँ पर होने वाला है लेन, ठीक। अच्छा एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, आई भी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, काम में आने वाला है। तो हम लोगों ने वर्ड्स जो है ना उसको हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया, एक बार चेक भी कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं इसको और एक बार चेक कर लेते हैं कि वर्ड में सारे वर्ड्स आ रहे कि नहीं, ठीक है ना। चेक करने का क्या तरीका है, चेक करने का तरीका ये है कि आपको कोड में जाना है और यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। चलिए कंपाइल कर लेते हैं इसको एक बार और मिनिमाइज करते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, देखिए ये पूछ रहा है, तो हम लोग एक छोटा सा सेंटेंस डाल देते हैं यहाँ पे, जो एग्जिस्टिंग सेंटेंस है वही डाल देते हैं, as you reap, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये डाल दिया हम लोगों ने, वर्ड टू बी इंसर्टेड शैल, shall, और ये 5 डालते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आके रुक गया है और हम लोग इसको चेक कर सकते हैं अपने अपने डिबगर में, ठीक है। देखिए डिबगर थोड़ा छोटा हो गया है, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा डिबगर है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं एक बार और देखते हैं कि हमारे वर्ड्स में जो वर्ड जो है वो आया है कि नहीं। तो यहाँ पर वर्ड में जो वर्ड्स स्प्लिट फंक्शन जो है
वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो एक बार स्प्लिट फंक्शन में मेरे शायद तक वो जो डाला है, ठीक है ना, मैंने जो डाला है ये वाला डबल स्लैश एस, ये स्लैश गलत डाल दिया, ये ऐसा वाला स्लैश होगा, ठीक है। तो अब एक बार वापस रन करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। एक बार और कोड में चलते हैं, एक बार और कोड में चलते हैं, यहाँ पर कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने से ये ब्रेक पॉइंट लग जाता है, और एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ओके करता हूँ मैं, ठीक है, और मैं स्टेटमेंट डालता हूँ, एज यू सॉ सॉ सो यू रीप रीप एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। वर्ड टू बी इंसर्टेड शेल शेल, ठीक है। वर्ड पोजीशन 5, तो देखते हैं एक बार वर्ड वाला जो वेरिएबल है, वर्ड्स वाला जो एरे है, तो देखिए इसमें सारे के सारे वर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है ना, एज यू सॉ यू रीप, ठीक है, तो ये आ चुका है। तो अब तो हमारा काम सॉल्व हो गया, ठीक है, बहुत इजीली, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं, वापस कोड में चलते हैं और आगे का काम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कोड में चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा जो वर्ड्स जो है वो हमको इन द फॉर्म ऑफ एरे मिल चुका है, ठीक है। अब तो बड़ा ही आसान सा काम है, अब हम लोग क्या करेंगे कि फॉर लूप लगाएंगे बड़ी ही आसानी के साथ। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वर्ड्स वर्ड्स डॉट लेंथ, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एक नया सेंटेंस भी फॉर्म करना है, ठीक है, हमें एक सेंटेंस भी फॉर्म करना है। तो हम लोग एक वेरिएबल भी लेने वाले हैं, नया स्ट्रिंग का वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे, तो उसका नाम रख देते हैं न्यू सेंट, न्यू सेंट इज इक्वल टू, ठीक है। हमेशा मीनिंगफुल वेरिएबल लें, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मीनिंगफुल वेरिएबल लें, जो भी टीचर आपका प्रोग्राम चेक करेगा, ठीक है, उसको ईजी रहता है, ठीक है, उसको समझ में आते रहते हैं कि हाँ ये क्या कोड लिखा है, क्या है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हर बच्चे को मैं बोलता हूँ कि आप अपना जब भी कोड लिखें, जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करें, आप मीनिंगफुल वेरिएबल लें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि उस पोजीशन पर हमें जो वर्ड है ना उसको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इफ आई प्लस वन, आई प्लस वन डबल इक्वल टू पी ओ एस, ठीक है, जहाँ पर ये मैच कर जाएगा तो वहाँ पर हम लोग वो वर्ड को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे न्यू सेंट प्लस इक्वल टू, ठीक है, और जो हम वर्ड इनपुट ले रहे हैं, ठीक है ना, उसका नाम है इंसर्टेड वर्ड, इंसर्टेड वर्ड, ठीक है, और इसके साथ में एक स्पेस डाल दें हमेशा, ठीक है। या हम लोग एक काम करते हैं कि इंसर्ट, हाँ डाल देते हैं, एक स्पेस डाल देते हैं हमेशा, ठीक है, एक स्पेस जो है ना वो डाल देते हैं, ठीक, स्पेस डाल देते हैं। और अगर ये मैच नहीं कर रहा है, तब भी हम, अगर ये मैच नहीं कर रहा है तब भी हम लोग इसके अंदर, ठीक है ना, स्पेस इसके इसके अंदर में ये वर्ड को ऐड करते रहेंगे, न्यू सेंट प्लस इक्वल टू, ठीक है, और इंसर्टेड इंसर्टेड वर्ड नहीं, वर्ड्स वर्ड्स ऑफ आई, ये ऐड करते रहना है, ठीक है। और एक और बात है कि जब ये मैच कर जाएगा, ठीक है, उस टाइम पर तो ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक काम करते हैं, एल्स हटा देते हैं, एल्स नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना, अगर मैच कर जाएगा तो ये वाला भी करेगा और उस पोजीशन पे जो वर्ड आ रहा है हमारा, ठीक है ना, वो वाला भी करे, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये वर्ड्स हमेशा ऐड होता रहे, ये बीच में ऐड हो जाएगा और ये साथ में स्पेस भी ऐड करें, ठीक। और जब हमारा पूरा जो वर्ड्स है वो अटैच हो जाएगा तो एंड में एक स्पेस रह जाएगा, ठीक है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो हम लोग लिखेंगे न्यू सेंट इज इक्वल टू न्यू सेंट डॉट ट्रिम, ठीक है,
ट्रिम एक फंक्शन है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिम यू कैन रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग ब्लैंक स्पेसेस, तो वो रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद आप उस कैरेक्टर जो हम लोग सेव करके रखे थे ना डेलिमीटर में, ठीक है, लास्ट वाला कैरेक्टर जो हम लोगों ने निकाला था, ठीक है ना, जो हम लोगों ने यहाँ से निकाल दिया था, उसको लगा देंगे जो भी था, ठीक है। और हमारा आउटपुट रेडी है, अब हम लोग प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, स्लैश एन ले लीजिए, नए लाइन में चले जाइए और आप अपना आउटपुट जो है वो प्रिंट कर दीजिए, न्यू सेंट में आपका आउटपुट सेव्ड है, उसको प्रिंट कर दीजिए। कंपाइल करता हूँ, ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक। तो इस क्वेश्चन पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो एग्ज़ाम में मैं बच्चे लोग को हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ें, और जो भी क्वेश्चन उनको लगे क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद इजी है उनसे सॉल्व हो जाएगा, इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, चैलेंज ना उठाएं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चैलेंज जो है वो आप प्रैक्टिस करते वक्त उठाएं, ठीक है। चलिए तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, पहला सेंटेंस लिखते हैं, मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक, ठीक है, और मैं थोड़े ज़्यादा स्पेसेस भी दे देता हूँ, इज अ, ठीक है, ब्लेसिंग इज अ ब्लेसिंग फॉर द होल डे, होल डे, ठीक है, होल डे और फुल स्टॉप, ठीक है, ये दिया हुआ था, तो एंटर करता हूँ मैं, तो ये पूछ रहे हैं वर्ड टू बी इंसर्टेड, तो टोटल TOTAL टोटल, और कौन से पोजीशन में करना है, फिफ्थ पोजीशन में करना है, तो देखिए मॉर्निंग वॉक टोटल इज अ ब्लेसिंग फॉर फिफ्थ पोजीशन, 0 1 2 3 4 5, अच्छा ये तो गलत जगह इंसर्ट हो गया, आई थिंक मैंने जो स्पेसेस डाले हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से नहीं हुआ, तो स्प्लिट फंक्शन जो है वो स्पेसेस को भी मतलब एज अ डेलिमीटर सेव कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग एक छोटा और काम कर सकते हैं कि स्प्लिट यूज़ नहीं करके हम लोग एक और चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग स्प्लिट नहीं यूज़ करके हम लोग एक और काम करते हैं कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक क्लास है उसका नाम है स्ट्रिंग टोकनाइज़र, ये भी आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते हैं स्ट्रिंग टोकनाइज़र, TOKENIZER, स्ट्रिंग टोकनाइज़र, ST इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर, TOKENIZER, और इसमें अगर हम लोग सेंटेंस को डाल देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये टोकन्स में ना उसको ले लेगा, ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ये लूप तो जैसा है वैसा ही चलेगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ST डॉट हैज़ मोर टोकन्स, ठीक है, ये लूप का कंडीशन है, ठीक है, और ये वाला चीज़ हटा लेते हैं, ठीक है, तो अगर टोकन्स बचे हुए हैं तो वो कंडीशन जो है ट्रू होगा, और टोकन्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना स्ट्रिंग टोकनाइजर में बाय डिफ़ॉल्ट जो सेपरेटर है वो है स्पेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो हम लोग एक बार एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेते हैं कि यार ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि जब हमारा पोजीशन मैच करेगा तो हम लोग इंसर्टेड वर्ड को इसमें डालेंगे, और अगर पोजीशन मैच नहीं करेगा तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे ST डॉट नेक्स्ट टोकन, नेक्स्ट टोकन, ठीक है, इसको डाल देंगे, तो वो जो वर्ड है ना एज अ टोकन उसमें ऐड हो जाएगा, और साथ में एक एक स्पेस भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, चलिए फिर देखते हैं एक बार ये काम करता है कि नहीं, और यहाँ पर हम लोग पहले चेक भी कर लेते हैं यार ये ST में हमारा डाटा जो है ठीक से स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, कभी कभी प्लान थोड़ा चेंज भी करना पड़ता है, ठीक है, चलिए एक बार रन करते हैं वापस से, ठीक है,
तो हम लोगों ने टाइप किया था मॉर्निंग वॉक, वॉक इज ब्लेसिंग, सॉरी BLESSING, ब्लेसिंग फॉर द होल डे, ठीक है, और फुल स्टॉप है। तो ये हम लोगों ने डाल दिया। इसके बाद आ गया वर्ड टू बी इंसर्टेड, तो टोटल डाल देते हैं और यहाँ पे 5 डाल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने टोकन्स बनाया है उसके अंदर में हमारे जो वर्ड्स हैं ना वो आए हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि डेलीमीटर जो हैं /T/N/R/F, ठीक है, ये सारे के सारे एक साथ आ जा रहे हैं यार। अच्छा, तो हम लोग एक छोटा सा और काम कर सकते हैं कि इसको टर्मिनेट करते हैं, क्योंकि ये काम नहीं करेगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसके साथ हम लोग एक डेलिमिटर पास कर देते हैं ट्रू, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ें हैं ना वो उसमें एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। कंपाइल कर लेते हैं एक बार। नहीं, कह रहा है बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू जावा स्ट्रिंग। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसको स्पेस से सेपरेट करें, ठीक है। एक बार और रन करते हैं, देखते हैं इसको, ठीक है, कि ये आइडिया काम करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करेगा तो दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक। मेरे पास और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मॉर्निंग, मॉर्निंग। अच्छा, 1 मिनट, वैसे इसमें स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, वो कन्वर्ट कर लेगा। मॉर्निंग वॉक, अब बहुत सारे स्पेसेस डालते हैं, इज अ टोटल टोटल ब्लेसिंग, ब्लेसिंग फॉर द होल डे, होल डे, ठीक है, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो देखते हैं ये इनपुट लिया कि नहीं। अच्छा, टर्मिनल विंडो कहाँ चला गया। अच्छा, ये रहा टर्मिनल विंडो। हाँ, वर्ड टू बी इंसर्टेड जो है वो है टोटल, TOTAL, टोटल, ठीक है। एंड सेंटेंस जो है पोजीशन जो है 5। तो एक बार देखते हैं कि जो हमारा ST है उसमें डाटा जो है किस तरीके से आ रहा है। तो यार ये डाटा जो है ना ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, मॉर्निंग वॉक इज़ अ टोटल ब्लेसिंग। अच्छा, ये पूरा का पूरा एक बार में ले रहा है स्ट्रिंग। टोकन्स जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है, देखते हैं एक बार, स्टेप में रन करते हैं, ठीक है। और ST में ये टोकन्स में होना चाहिए था, इसमें यार टोकन्स में नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, मिनिमाइज करते हैं, स्टेप रन करते हैं, कहाँ गया, ये रहा हमारा कोड। और स्टेप रन किया, ये रन किया, ये रन किया, ये रन किया। अच्छा, ये हाँ, चलिए आई का वैल्यू कितना है देखते हैं। आई का वैल्यू 6 है। अच्छा, ये काम कर रहा है। अच्छा, तो न्यू सेंट देखते हैं, ये जो न्यू सेंट है, ठीक है ना, आप अगर ध्यान दें तो ये काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है। तो ये काम कर रहा है, ये वाला आइडिया जो है ना, ये काम
कर रहा है। टर्मिनल विंडो देखें एक बार, ठीक है ना। तो मॉर्निंग वॉक इज अ टोटल ब्लेसिंग्स फॉर द होल डे। अच्छा, मैंने इसमें टोटल डाल दिया था क्या? अच्छा, मैंने टोटल लिख दिया था गलती से। ओहो, मैंने आउटपुट ही कॉपी कर दिया था, तो ये मेरी गलती है, लेकिन ये काम कर रहा है कोड अच्छे से। ठीक, तो देखिए ये स्ट्रिंग टोकनाइजर जो है ना, ये काम कर रहा है अच्छे से। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार यहाँ पर इसको एक बार रन करते हैं वापस। ठीक है, चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं कोड को, और इसको रन करते हैं। तो हमको दिया गया था मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग बहुत सारा स्पेस WALK, वॉक इज अ बहुत सारा स्पेस BLESSING, ब्लेसिंग फॉर द होल डे, होल डे। ठीक है, ये हमें दिया गया था, तो हमें इंसर्ट करना था इसमें टोटल, टोटल करना था, और फिफ्थ पोजीशन पे करना था। तो देखिए ये फिफ्थ पोजीशन पे इंसर्ट हो गया है, 1 2 3 4 5, ये इंसर्ट हो गया है। ठीक है, दूसरा वाला जो एग्जांपल है उसको भी रन करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा वाला एग्जांपल है उसको भी रन करते हैं। एज यू सो वामा, एज यू रीप, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड किया गया है। वर्ड टू बी इंसर्टेड जो है शैल है। ठीक है, पोजीशन बताया गया है 5, देखिए 1 2 3 4, फिफ्थ पोजीशन पे इंसर्ट हो गया है, और आउटपुट एकदम परफेक्ट है। ठीक है, और जैसे हम लोग यहाँ पर एक और लिखते हैं, जैसे एक और थोड़ा सा लेते हैं, एक्सेप्ट अ सेंटेंस, SCCEPT, एक्सेप्ट अ सेंटेंस एंड रिमूव, एंड जैसे मैं रिमूव वर्ड भूल गया, ठीक है, एंड ऑल द एक्स्ट्रा EXTRA एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस BLANK ब्लैंक स्पेस SPACE स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। ठीक है, टू वर्ड्स वर्ड्स, ठीक है। तो देखिए मैं जो वर्ड भूल गया लिख टाइप करते वक्त, वो था रिमूव। ठीक है, वो था रिमूव, REMOVE, वो था रिमूव। ठीक है, और वो कौन से पोजीशन पे है, तो वो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो वो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमारा टर्मिनल विंडो है, तो 1 2 3 4, अच्छा देखो ये यार वो भी फिफ्थ पोजीशन पे, एंड रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा, तो वो फिफ्थ पोजीशन पे है, तो मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 5 डाल देते हैं, और अब देखते हैं, देखिए वो आ गया वर्ड फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, एक्सेप्ट अ सेंटेंस एंड रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन टू वर्ड्स। देखिए इसके लिए भी काम कर रहा है, बट ये एग्जाम्पल जो है ना यहाँ दिया हुआ नहीं था, फिर भी मैंने उसको यूज़ किया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस कुछ इस टाइप से लिखता है कि एंटर, जैसे एंटर एनी सेंटेंस, NCE सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता है। एक्सक्लेमेशन मार्क के बदले वो कुछ और लगा देता है, जैसे वो डाल देता है डॉलर, डॉलर डाल देता है, तो वो दिखा देगा भाई इनवैलिड सेंटेंस, क्योंकि वो प्रॉपर डेलिमीटर पुट नहीं किया है। बस इतना ही कहा गया है, तो आपको इतना ही करना है, और चीज़ों की चेकिंग आपको नहीं करनी है, बस आपको डिस्प्ले करना है मॉडिफाइड सेंटेंस। ठीक, तो मैंने तीनों क्वेश्चन जो है